बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। CSS 2019 करंट अफेयर्स क्वेश्चन 4। एलैबोरेट द रीजंस एंड इम्पैक्ट्स ऑन डोनाल्ड ट्रंप विदड्रॉल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट इन 2015। अब हम देखते हैं हुआ क्या है। एक्चुअली ये 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में जो है ना USP इसका एक सिग्नेटरी था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो वो इस एग्रीमेंट से वो निकल गया। अब हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप्स चॉइस टू पुल आउट फ्रॉम द पेरिस एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग इन 2017 हैड अ फ्यू रीजंस एंड इफेक्ट्स। क्या उसके रीजंस थे, जैसे हम ऊपर देख रहे थे कि हमने देखा था कि वो रीजंस और उनके इम्पैक्ट्स हमने डिस्कस करने। तो रीजंस ये हैं, पहला इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेकंड नेशनल सॉवरेंटी, थर्ड इज़ इनएडिक्वेट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, तो वो US ये कहता है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जब उसने ये 2017 में इसको छोड़ा, 15 में जो ज्वाइन किया था ओबामा के टाइम में, उसने कहा कि इसमें हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें ज़्यादा फाइनेंस करना पड़ता है और हमें इंटरेस्ट कम मिलेंगे, तो जिन पर इकोनॉमिक वो हो रहा है उस वो ही इसको देखेंगे। इट मीन्स कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को ही सिर्फ परसीव करेगा। देन है नेशनल सॉवरेंटी। नेशनल सॉवरेंटी की बात करें तो उसने कहा कि ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, अगर हम इसके अंदर US जाता है और इसके अंदर US सारे वो फंडिंग करता सब कुछ, तो ये उसके लिए एक नेशनल सॉवरेंटी का इशू है। तो उसने कहा कि पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था ये एक तरह से एक इन्फ्रेंजमेंट है ऑन US पावर। ठीक है, तो हम इसको नहीं मानते, तो इस तरह वो उससे निकल गया। तीसरे नंबर पे एक जो उसका रीज़न था वो था इनएडिक्वेट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। ट्रंप ने कहा कि भाई देखें, इसके अंदर हम इतने ज़्यादा पैसे दें, हम भी पागल हैं, इसलिए उसने कहा कि या तो इसके अंदर जो है ना वो दूसरे कंट्रीज चाइना, इंडिया और दूसरी बड़ी जो स्टेट्स हैं, इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करें। ये एक उनका रीज़न था, लेकिन यहाँ पे हम काउंटर रीज़न ये दे सकते हैं। तो देखिए, अब US जो है वो सुपर पावर है और उसकी जिस तरह की जितनी ज़्यादा उसकी कंजम्पशन है और क्लाइमेट चेंज में जितना ज़्यादा वो गैस एमिशन उसका हो रहा है, उसके हिसाब से उसे फ़ंड देना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। इस तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है टॉप 10 इससे इम्पेक्ट हो रहे हैं, हालांकि उनके कंट्रीब्यूशन इस गैस एमिशन में या इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली तो ये फंडिंग उन कंट्रीज़ को मिलनी थी ताकि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं या जो अफेक्ट हो रहे हैं उनको हेल्प हो। अब इम्पैक्ट्स की बात करें तो इससे इन्वायरमेंटल और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा था। US ने कहा कि चूँकि US सबसे बड़ा ओजोन जो है ड्रेनिंग कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा गैस एमिशन वहाँ से हो रही है, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा इसके अंदर करना चाहिए। अब चूँकि वो इससे निकल गया है, तो इससे जो है ना ये पूरी जो है पेरिस एग्रीमेंट इससे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जब सुपर पावर या बड़े मुल्क उसमें से निकल जाते हैं तो वो विल पावर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह ये जो एक तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए दुनिया का इकोलॉजिकल चेंज हो रहा था, इसको दुनिया के इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिश हो रही थी US के, या इससे निकलने से बुरे असरात होंगे, दूसरी स्टेट्स भी यही बहाना बनाकर निकल जाएंगे और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो पिछले साल भी और उससे पहले भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से कभी फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं ड्रॉट आ रहा है, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, तो वहाँ पर फिर वही बात है कि रियलिस्ट जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ग्लोबलाइजेशन से निकल रहा है। फिर डिप्लोमेटिक बात करें तो इससे जब निकला है तो इसका मतलब है कि US जो है वो डिप्लोमेटिकली उसकी खुद की भी एक तरह से उसने डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ की, टेबल टॉक्स की, एग्रीमेंट्स की इंसल्ट की है, और उसके लिए ये भी है कि US के जो डिप्लोमेटिक मामला हैं दूसरे कंट्रीज़ भी उसके साथ, फिर पूरा ओवरऑल एक इन्वायरमेंट ऐसा बन जाएगा कि लोग एग्रीमेंट्स करेंगे और नेक्स्ट गवर्नमेंट उससे निकल जाएंगी। ये एक दुनिया की सिक्योरिटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं। इकोनॉमिक की बात करें तो US जो है वो पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है और जो है ना ग्रीन एनर्जी की कोशिश कर रही है पूरी दुनिया US भी, तो इस तरह से फिर जो आप देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो जब वहाँ पर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करेगा तो इकॉनमी पर भी इम्पैक्ट होंगे। इंस्पायरेशन टू अदर कंट्रीज, अब US जब यहाँ से निकला है तो बहुत सारे दूसरे मुल्क भी यही बहाना बैक ट्रैक कर लेंगे और वो इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे और कहेंगे जी हमारे इंटरेस्ट, हमारी इकॉनमी, जैसे US ने कहा, तो इसका एक तरह से बैड इम्पैक्ट होगा। तो ये
इसका वर्ल्ड पूरे ग्लोबल और रीजनल लेवल पर भी इम्पैक्ट होगा। तो ये ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है उसको भी ख़राब करेगा, इसके जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उसके लिए भी एक तरह से मसला होगा। तो कंसीडरिंग एवरीथिंग प्रेजिडेंट ट्रंप डिसीजन टू पुल आउट फ्राम द पेरिस अंडरस्टैंडिंग वॉज ड्राइवन बाय हिज कन्विक्शन दैट इट वॉज द फ्राइटफुल टू द US इकॉनमी एंड एन इन्फ्रेंचमेंट ऑन US पावर येट इट बाय एंड लार्ज इम्पैक्टेड द इन्वायरमेंट प्रोसीजर मॉनिटरी व्यू पॉइंट्स एंड ओवरऑल अंडरटेकिंग्स टू एड्रेस द इकोलॉजिकल चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।